हेलो फ्रेंड, जय बैठे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हॉस्टल वायरिंग दिखाएंगे। पहले इसको हम रफली समझ लेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो हमने हॉस्टल वायरिंग के लिए तीन लैंप लिया है, लैंप वन, लैंप टू, लैंप थ्री। ठीक है, जब तीन लैंप हो तो कितने स्विचों की आवश्यकता होती है? चार स्विचों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्विच वन वे होता है और तीन स्विच आपके टू वे होते हैं। ठीक है, तो इसका कनेक्शन मैं सिंपली कनेक्शन बताऊंगा। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इन स्विचों का कनेक्शन करेंगे। तो स्विचों को जैसे नीचे वाला सिरा, सारा नीचे वाला सिरा को हम स्टार्ट कर देंगे और ऊपर वाला सिरा को हम स्टार्ट कर देंगे। तो नीचे वाला सिरा को स्टार्ट करते हैं, हम नीचे वाला सिरा को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ऊपर वाला सिरा को सेम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऊपर वाला का सिरा को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ बचा है बीच वाला पॉइंट, इसका इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, तो हर पोल का हर लैंप से कनेक्ट करेंगे। जैसे आपका पहला लैंप है तो पहला टू स्विच के पोल से कनेक्ट करेंगे, दूसरा का दूसरे से, तीसरा का तीसरे से। तो हम सबसे पहले एक एक पहले इसका करेंगे, तो करते हैं। देखिए, हमने तीनों लैंपों का बीच से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब बचा है फेज वायर का कनेक्शन और यहाँ पे न्यूट्रल वायर का कनेक्शन। तो न्यूट्रल तो सभी लैंपों को चाहिए, इसको भी चाहिए, मतलब सबको चाहिए। न्यूट्रल हम कॉमन कर देंगे, जैसे ये वाला न्यूट्रल उठा के यहाँ जोड़ देंगे, ये न्यूट्रल इसमें भी कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। देखिए, हमने न्यूट्रल वायर को सारे में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे सप्लाई के लिए और यहाँ से एक वायर फेज वायर निकालेंगे सप्लाई के लिए। निकालते हैं, देखिए हमने टोटली कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर न्यूट्रल वायर का भी कर दिया, न्यूट्रल वायर हमने निकाल दिया है, यहाँ फेज वायर निकाल दिया है। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है? तो देखिए, ये आपका हॉस्टल का रूम का वायरिंग है। ये वहाँ का हॉस्टल मालिक का, मतलब जो आपका वार्डन होता है, उसके रूम में ये आपका स्विच रहता है। इसको मास्टर स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर लड़के कोई भी आपका लैंप जला के चले जाते हैं, जैसे त्योहारों में क्या होता है कि लैंप लड़के जला के चले जाते हैं, घर पर चले जाते हैं, ये लाइट जलते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका मास्टर स्विच होता है, तो उससे अगर हॉस्टल का वार्डन चाहेगा उससे बुझा सकता है, सारे लैंपों को बुझा सकता है। ठीक है, या सारे लैंपों को जला सकता है एक साथ। क्योंकि क्या होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ हरामी लड़के होते हैं तो अपना लाइट बंद करके गाजा शराब पीते रहते हैं रूम में। ठीक है, हर रूम के लड़के पीते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो आपका वार्डन मालिक होता है, तो ये मास्टर स्विच को भले ही आप उसको ऑफ करेंगे, लेकिन मास्टर स्विच से इसको हम सारे लाइटों को एक साथ ऑन कर सकते हैं और जो आपके दारू शराब पी रहे हैं उसको पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कैसे ये काम कर रहा है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। देखिए, हमने प्रैक्टिकली कनेक्शन कर दिया है। जैसे मैंने कनेक्शन बताया था, ठीक है, वैसे ही हमने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, मैंने कहा था कि ऊपर वाले साइड हम लोग को स्टार्ट कर देंगे। देखिए, इसमें स्टार्ट है, नीचे वाले भी साइड हम लोग स्टार्ट है। बीच से हमने लैंप को, हर लैंप के एक पॉइंट को हमने पॉइंट को जोड़ा है। ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल वाला वायर है। न्यूट्रल वाला तीनों वायर को, इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल, तीनों जो आपके लैंप के दूसरे किनारे हैं, उसको हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब सप्लाई देते हैं और एक एक ऑन करेंगे। देखिए, ये आपका तीन जो आपके स्विच हैं वो आपके हॉस्टल के होंगे। ठीक है, तो हम तीनों स्विच को ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। देखिए, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, इसका भी ऑन हो गया, यहाँ से ऑफ कर देंगे, इसको भी हम ऑन ऑफ कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका मास्टर स्विच है, इसको जैसे यहाँ पर हमने एक लड़के ने ऑन कर दिया है। ठीक है, अगर चाहेंगे तो मास्टर स्विच से इसको हम बुझा सकते हैं। ठीक है, मास्टर स्विच से तीनों को जला सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे लड़के शराब पी के, ठीक है, शराब पी के तीनों रूम में बदमाशी काम कर रहे हैं या हर कुछ गलत हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपका हॉस्टल वार्डन होता है, ये तीनों लैंप को क्या एक साथ जला सकता है। देखिए, जला दिया, अब कितना भी लड़के बुझाना चाहेंगे ना, इसको बुझा नहीं पाएंगे, यहाँ कहीं से भी नहीं बुझा पाएंगे। यहाँ देखिए,
कहीं से नहीं बुझा पाएंगे, कितना भी हरकत करेंगे। ठीक है, अगर चाहेंगे तो यहाँ से हम मास्टर स्विच है इसको टोटली को बुझा देंगे। अगर लड़के जला कर भी गए हैं कहीं बाहर तो चाहेंगे तो यहाँ से हम इसको टोटली बुझा भी सकते हैं। इस तरह से जो हॉस्टल वायरिंग होता है आपका कनेक्शन होता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।